नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 5 रुपए में खाने का जो स्कीम है उसका इनेकाद अमल भी आ रहा था। आइए, ये सबसे पहले एक जो प्रोग्राम हुआ पानी की टाकी, जहनुमा पानी की टाकी, और उसके बाद में खुली खुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ITI है यहाँ के ऊपर जो है ना, यहाँ के जो मुतालिका जो काउंसलर है मुबीन साहब, आइए उनसे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आज जो 5 रुपीज मिल्स का जो इफ्तिता किया गया है वो सदर मजलिस अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर, जनाब मोहम्मद मौजम खान साहब MLA बहादुरपुरा की मौसरा नुमाइंदगी पर आज ये अन्नपूर्णा 5 रुपीज स्कीम का जो GHMC की जानिब से उसका इफ्तिता अमल में आया है। और इस स्कीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब मेयर माजिद हुसैन साहब जिस वक्त मेयर थे उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये तय किया था कि 5 रुपए के खाने की जो स्कीम है फ़ख्रे मिल्लत के नाम से इसको मौसम किया जाएगा। और इस स्कीम का इफ्तिता उसी वक्त अमल में आया था जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर थे। और उसके बाद में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलहदा होने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारे आनरेबल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से नुमाइंदगी करके कि जिस स्कीम से गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है इस स्कीम को बरकरार रखा जाए, और मजलिस के मुतालबे के ऊपर इस स्कीम को बरकरार रखा गया है। आज सारे तेलंगाना और GHMC के लिमिट के अंदर 5 रुपये में खाने की स्कीम चल रही है। और इसी तरीके से आज ये पॉलिटेक्निक खुली खुदुब शाह पॉलिटेक्निक के पास जो इफ्तिता अमल में आया है यहाँ के प्रिंसिपल साहब की बहुत जदोजहद थी कि यहाँ पे जो पुराने शहर में गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ऐसा मैं देखता हूँ कि कई बच्चे टिफ़िन भी नहीं लेकर आते, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और शाम में कमेला भी है जहाँ पर जो काम करने वाले हैं गरीब लोग आते हैं, तो दो चीज़ों को सामने रख कर ये फैसला किया गया कि खुली खुतुब शाह पॉलिटेक्निक के पास भी इस स्कीम का इफ्तिता अमल में लाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जोनल कमिश्नर साहब और हमारे DMC यादगीर राव साहब ने जदोजहद यानी कि सैंक्शन देने में बहुत मदद की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कमिश्नर साहब का, हमारे मेयर साहब का और सदर मजलिस का, MLA साहब का, हमारे वर्कर्स का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस स्कीम को कामयाब बनाने में मदद कर रहे हैं। मुबीन साहब ये बताइए कि आपके अपने हल्के बल्दी हल्के में और यह एक ही पहला है यानी और भी है? बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे के अंदर एक हमारे ईदगाह के पास भी एक लगाया गया है जो ताड़बन एक्स रोड कहा जाता है, वहाँ पर भी एक मेरे वार्ड के अंदर 2 इस तरह के सेंटर्स लगाए गए। तो और भी इस फ्यूचर के अंदर अभी और इसको फ्यूचर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर सलम इलाका है वहाँ पर ज़रूर हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ के आवाम को इससे फ़ायदा पहुँच सके। बराबर हमारे कमिश्नर साहब ने भी और हमारे जोनल कमिश्नर साहब को 2 रोज़ पहले बात हुई कि आप जहाँ पर कहेंगे अगर गरीब आवाम जहाँ पर रहती है आप हमको आइडेंटिफाई करवाइए, हम बराबर करने के लिए तैयार है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आवाम आप तक रुजू होना या आप अपने से जाके सर्वे करेंगे? अब आवाम तो हमसे रुजू हो रही है, लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि हर जगह पे थोड़ा लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अरे भाई हमारे पास इस तरीके का है, जहाँ पर हम ज़्यादातर ये देख रहे हैं कि लेबर तबका हो, जहाँ पर गरीब लोग बिल्कुल गरीब है वहाँ पर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर बिल्कुल सलम इलाका है वहाँ पर लगाने के लिए बराबर हम कोशिश करेंगे। हमसे बात करने का, सचमुच से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुबीन साहब काउंसलर रमनसपुरा। आप भी बता रहे थे कि आवाम अगर इनसे रुजू होती, अगर नए रुजू भी अगर होते वो अपने तौर पर आवाम तक के दरमियान में जाएंगे, सर्वे करेंगे, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इस किस्म के जो भी 5 रुपये का अन्नपूर्णा स्कीम के तहत जो भी जो है ना 5 रुपये में जो स्कीम है इंशाल्लाह उसको रूबे में लाया जाए। सच न्यूज़ देखते रहिए, और कैमरामैन समीर के साथ मोहम्मद जावेद, सच न्यूज़ के लिए।